Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and today with me you are going to cover a very famous Marathi poet Namdeo Dhasal, a very famous writer and Dalit activist from Maharashtra. We will cover two of his poems in two parts. The first one will be A Notebook of Poems and the second is Sunflower Giving Fakir. Please do not forget to share and subscribe the channel, and you may contact us to join our online classes to let us know about this very famous writer Namdeo Dhasal, Marathi poet. बहुत ही famous Marathi poet थे ये writer, Dalit activist from Maharashtra और इनको पद्म श्री award भी दिया गया था 1999 में और lifetime achievement award दिया गया था साहित्य अकादमी की तरफ से 2004 में. 1972 ईयर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा इनकी लाइफ में. इन 1972 ही फॉर्म दी दलित पैंथर्स, एक ग्रुप था, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज वी कैन से इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन ब्लैक पैंथर मूवमेंट अलोंग विद फ्यू अदर एक्टिविस्ट लाइक जे.वी. पवार एंड राजा धाले, अर्जुन डांगले. ये कुछ ऐसे प्रोमिनेंट मराठी राइटर्स के नाम है, मराठी एसोसिएट्स के नाम है जो इनके साथ इंक्लूडेड थे इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दलित पैंथर्स. दलित पैंथर्स बेसिकली was a result of Dhasal's disillusionment with mainstream political parties and the rise of atrocities against Dalits in the 1960s. Dalits के against, Dalits के ऊपर जो भी अत्याचार किए जाते थे 60s में, उस वजह से ये organization बनी थी. The organization played a very crucial role in Dalit politics throughout 1970s. 1973 ये ईयर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा इनके लिए. दिस ईयर ब्रॉट Marathi Dalit poetry and fiction in translation to the middle and upper class audiences all over the country, and prominent among these poets were of course Namdeo Dhasal. उनकी poetry basically revolve करती है around the realities of Dalit life and daily struggles faced by this community. क्या क्या struggles, क्या क्या atrocities ये लोग face करते हैं, and most of them are also marked by violent language to translate the violence that Dalits routinely रेगुलरली फेस्ड. अब बात करते हैं अपनी इस पोइट्री की, अ नोटबुक ऑफ पोम्स. दिस पोइट्री इज अबाउट दी स्ट्रगल्स ऑफ दलित राइटर्स, कैसे दलित्स को सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता. ऑन पेपर सब कुछ इक्वल है, ऑन पेपर इन लोगों को राइट्स मिल गए हैं, सारे राइट्स सब कुछ इक्वल है, बट सोसाइटी किस तरीके से अभी भी उन्हीं स्टीरियोटाइप्स के साथ जी रही है. सोसाइटी इज स्टिल प्रेजुडिस्ड एंड डज नॉट गिव द इक्वल शेयर टू दलित्स. अब देखते हैं हमारी पोएट्री की शुरुआत की कुछ लाइन्स, आपको आरटीसीज में बहुत काम आएगा ये. You do not open the door, though I have arrived at the destination. How can I write the alphabets of constellations on the old paper? So basically the poem begins with these lines, and the poet is talking to somebody in a complaining tone. इनको देखकर, इन लाइंस को देखकर लगता है कि पोएट हमारा कंप्लेनिंग मूड में है, पोएट कहीं पर पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, बट समबडी, जहाँ पर पहुंचे हैं, दैट समबडी इज नॉट ओपनिंग द डोर फॉर हिम टू एंटर, हेंस द कंप्लेंट. बट हु इज दैट समबडी, कौन है वो समबडी जिसके पास वो पहुंचे हैं, हु इज दैट यू, बेसिकली किसको वो यू कह रहे हैं, विद हुम द पोएट इज टॉकिंग. सर्टेनली नॉट गॉड. Namdeo Dhasal काइंड ऑफ पीपल नेवर टॉक टू गॉड. द डेस्टिनेशन इज नॉट द डेस्टिनेशन ऑफ अ स्पिरिचुअल रियल जर्नी, देन वॉट इज सपोज टू बी. हु इज नॉट ओपनिंग द डोर, लेट अस सी. हमारे इस पोएट का प्रोटेस्ट है इस यू के साथ, एंड दैट यू इज द सिस्टम, वो सिस्टम, वो सोसाइटी जो कि किसी दलित को अपने साथ इक्वल राइट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देती. द पोएट्स प्रोटेस्ट इज एम्ड एट द ट्रेडिशनल सोशल system, so that somebody, the you, is the representative of the system, the society. Though the poet has traveled the path of his creativity and has reached the final destination, the system does not allow him in. He remains an outcast even at the hem of his creativity. बहुत क्रिएटिव है, बहुत अच्छे राइटर्स बन सकते हैं, इनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, अपने अपने फील्ड में प्रोग्रेस कर सकते हैं, बट बिकॉज ये दलित्स हैं इसलिए सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती. अब बात करते हैं अपनी इस पोएट की ही. हिज पोएटिक जीनियस हैज़ इनेबल्ड हिम टू ग्रास्प द कॉन्स्टेलेशन. वो कह रहे हैं कि हम तो चांद तारों को छूने का टैलेंट रखते हैं, छूने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन हमें वही पुराना पेपर पकड़ा दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि टैलेंट तो है, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं ये लोग, लेकिन इनके सारे टूल्स जो है वो ओल्ड हैं। द कॉन्स्टलेशंस रिप्रेजेंट ब्राइट शाइनिंग ग्लोरियस आइडियाज, ब्राइट फ्यूचर, एंड द ओल्ड पेपर हियर सिम्बलाइजेज द पोएट्स worn out medium of expressions. It was all right during the poet's long journey of creativity so far, but now the poet has reached his final destination and has got the abilities to grab the constellations. He wishes to write the alphabet on a new fresh paper. However, the system does not let him in. System उसको कभी भी entry लेने नहीं देगा because the system is run by so-called high-class people. He is stranded at the destination outside with the alphabets of constellation, eager to be written on a new fresh paper, not the old paper. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि सिस्टम हमारे इस पोएट को, नॉट ओनली दिस पोएट बट एवरी दलित पोएट, द सिस्टम इज नॉट अलाउिंग अ दलित पोएट टू बी द पार्ट ऑफ क्रिएटिव राइटर्स. ऑन पेपर देर इज इक्वेलिटी, बट इन द रियल वर्ल्ड सो कॉल्ड हाई क्लास स्टिल ऑप्रेस सो कॉल्ड दलित्स और वी कैन से लोअर क्लास. अब पढ़ते हैं इन पंक्तियों को. I have handed over my notebook of poems long back to Kabir. There is no Kabir in this market, only I stand here. This tradition does accept the promise of liberation. The wings of desire are just growing in this empire of darkness. तो देखिए यहाँ हमारे राइटर जी क्या कह रहे हैं. The second stanza of the poem is a fine example of इंटरटेक्चुअलिटी, जहाँ पर कि उन्होंने किसी और पोएट कबीर जी की बात की है. द सेकंड स्टेंजा, दिस इज द रेफरेंस टू कबीर, कबीर दोहा, कबीर जी का ये बहुत फेमस दोहा है ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर. तो इसका मतलब है कबीर इज स्टैंडिंग इन दी मार्केट, इन दी बाजार, विशिंग वेल टू एवरी वन, एंड ही हैज फ्रेंडशिप विद नन एंड एनिमिटी विद नन. यहाँ पर हमारे पोएट उसी तरीके से हैं कि मैं भी अब यहाँ पर आ गया हूँ और मैंने अपनी नोटबुक कबीर जी को हैंडल कर दी. जिस तरीके से वो मार्केट में खड़े थे, उनकी किसी से दोस्ती नहीं थी, किसी से दुश्मनी नहीं थी. यहाँ पर हमारी ट्रेडिशन जो है वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है. इन्होंने प्रॉमिस तो दिया हमें लिबरेशन का कि हम लोग फ्री हो जाएंगे, हमारे अंदर डिजायर्स भी आए, लेकिन वी आर स्टिल लिविंग इन दी एम्पायर ऑफ डार्कनेस. तो वही बात कि ऑन पेपर सब कुछ है, ऑन पेपर लिबरेशन है, ऑन पेपर होप है, ऑन पेपर एक्सेप्टेंस है, बट इन रियल लाइफ देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ दलित्स. तो देखते हैं इस दोहे को किस तरीके से प्रेजेंट किया है धासल जी ने. ये दोहा डिपिक्ट करता है कि कबीर जी जो हैं वो बिल्कुल डिटैच्ड है. ये थे संत कबीर. येट कंपैशनेट एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल इन द वर्ल्ड ही कीप्स. और बहुत ही बिजी एक मार्केट में खड़े हैं, क्राउडेड बाजार में, बट इज नॉट इन्वॉल्व इन इट्स अफेयर्स. दो ही विशेस एवरी वन वेल, मांगे सबकी खैर. ही इज अलूफ फ्रॉम देम, लेकिन वो सबसे अलग है. ही इज नॉट अ फ्रेंड, नॉट एन एनिमी टू एनीबडी अराउंड हिम. व्हेन द पोएट कन्फेसेस दैट ही हैज हैंडेड ओवर हिज बुक ऑफ पोम्स टू कबीर लॉन्ग बैक, ही नॉट ओनली एस्टैब्लिशेस बॉन्डेज विद हिम बट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट ही हिमसेल्फ हैज रीच्ड द सेम एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ल्ड अराउंड हिम. जब हमारे पोएट बात करते हैं ना कि मैंने अपनी नोटबुक ऑफ पोम्स कबीर जी को हैंड ओवर कर दी है, तो उनका मानना है कि मैं भी लगभग उसी पोजीशन पर आ गया हूँ जिस पोजीशन पर कबीर जी थे. ही इज फ्रेंड टू नोबडी एंड एनिमी टू नोबडी. ही इज ऑल्सो ऑल अलोन इन द क्राउडेड बाजार, नर्चरिंग द ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ गुड राइटर, अ क्रिएटिव राइटर. अब देखते हैं हमारी इस पोएट्री की मेजर थीम क्या है. द मेजर थीम इज रिलेटेड टू आइडेंटिटी एंड स्ट्रगल ऑफ अ दलित राइटर, दलित poet basically. The people around just talk about equality, but no one is ready to give Dalit writers a status and due credit and due respect in the society. लैंग्वेज देखिए इस पोएट्री की बिल्कुल सिंपल है, कॉन्वर्सेशनल है, ट्रांसपेरेंट है, इमेजेस बिल्कुल फ्रेश हैं और नेचुरली रीडर्स के दिमाग में आती हैं. द पोएम इज शॉर्ट बट कैरीज अ लार्ज कंटेंट वेरी इफेक्टिवली, एंड द कंटेंट गोज बियॉन्ड द फ्रेम्स ऑफ द पोएम विद इनएविटेबल एंड ऑटोमेटिक रेफरेंसेस टू नामदेव धासल्स प्रीवियस पोएट्री एंड ऑल्सो टू द मेडिवल पोएट कबीर. may contact us to join our online classes. In the next part, we will do the poetry Sunflower Giving Fakir, written by the same writer. I hope you like this video and please do not forget to share and subscribe the channel. Thanks for watching and best of luck for your exams.